हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी दी है। जरूरत होने पर ओवर टाइम देंगे। तो ये बैठक चल रही थी, दरअसल काफी देर तक ये बैठक चली। तमाम तरह के जो निष्कर्ष है इस बैठक के बाद निकाले गए हैं। परिवहन मंत्री के साथ यहाँ पर तालमेल कमेटी की बैठक थी। रोडवेज कर्मचारियों ने 7 और 8 जनवरी को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। अब जिसे लेकर जो प्रदर्शन था उसे लेकर ये बैठक चली, बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब ये कहा गया है कि कर्मचारियों को जल्द ही बोनस दे दिया जाएगा। किलोमीटर स्कीम कोई मुद्दा नहीं है, परिवहन मंत्री ने कहा। आपस के विवाद को हमने खत्म किया, ये भी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दलवीर किरमारा ने भी कहा कि 7 तारीख को जो प्रदेशव्यापी हड़ताल होनी थी वो हड़ताल नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो 8 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है परिवहन विभाग की तरफ से, उसमें ये लोग शामिल रहेंगे। तो प्रदेशव्यापी जो हड़ताल थी उसे लेकर भी ये बैठक थी। तमाम तरह की जो मांगे थी उसे लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति भी बनी है। तो हरियाणा में नहीं होगी हड़ताल, प्रदेशव्यापी हड़ताल जो 7 तारीख को होनी थी वो हड़ताल नहीं होगी। किलोमीटर स्कीम कोई मुद्दा नहीं है, दरअसल यही मुद्दा था जिस पर बातचीत हो रही थी, जिस पर प्रदर्शन चल रहा था। डिप्टी सीएम के आवास के सामने यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे थे, रोडवेज कर्मचारी, और उन्होंने प्रदर्शन किया था। अब ऐसे में परिवहन मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि किलोमीटर स्कीम तो मुद्दा ही नहीं है। तमाम तरह के आश्वासन दिए गए हैं, ठोस आश्वासन दिए गए हैं। 4500 बसों को लेकर जो बातचीत हुई है, कहा गया है कि 2020 दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जो आपस के विवाद है उसे भी खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई है। ओवर टाइम को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है, जरूरत होने पर ही ओवर टाइम होंगे। कर्मचारियों को बोनस जल्द दे दिया जाएगा, या तो बोनस की एफडी करवा दी जाएगी या तो इन्हें सीधे चेक के माध्यम से बोनस दिया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र चौधरी, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि 7 तारीख को हड़ताल नहीं होगी, लेकिन 8 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ये लोग शामिल रहेंगे। कौन कौन सी प्रमुख बातें रही बैठक में जिस पर चर्चा हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, आज जिस प्रकार से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक कर्मचारियों रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई है, उसमें कई ऐसी मांगे थी जिसको लेकर के लगातार करीब 3.5 से 4 घंटे तक चंडीगढ़ के पंचायत भवन में चर्चा हुई है। इनमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कर्मचारियों की जो 1992 के जो कर्मचारी थे उनको पक्का करने की मांग थी, 2008 के ऐसे कर्मचारी थे जिनके इंक्रीमेंट को लेकर के मुद्दा यहाँ पर था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो किलोमीटर स्कीम है, किलोमीटर स्कीम एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के इससे पहले भी हड़ताल देखने के लिए मिली थी, उसको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में की गई है। एस्मा जो पिछली हड़ताल में कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया था, उस एस्मा को हटाया जाए, इस तरीके की ये प्रमुख मांगे थी जिसको लेकर के आज की पूरी बैठक में लगातार कई घंटों तक चर्चा रही है। और जो नई बसें बेड़े में शामिल किए जाने जानी है उसको लेकर के भी एक मुद्दा था, किलोमीटर स्कीम से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारियों का ये मानना था कि सरकार नई बसें बेड़े में शामिल करने की जगह निजी और किलोमीटर स्कीम पर जो बसें हैं वो बेड़े में लाना चाह रही है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा और ये जनता के हित में नहीं है, ये कर्मचारी नेताओं का कहना था। आज पूरा दिन जब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं एक सहमति बनती नजर आई है सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच में, जिसको लेकर के 7 तारीख को जो रोडवेज का चक्का जाम का ऐलान था तालमेल कमेटी की तरफ से, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। जिसके पीछे का कारण है कि जो सरकार ने उनकी मांगे मानी है, चाहे वो बोनस को लेकर के हो, इंक्रीमेंट को लेकर के हो, 1992 के कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर हो, बेड़े में नई बसें शामिल करने को लेकर हो, सरकार का ये कहना था कि जो ऐसी मांगे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सरकार को एक कमेटी बनाकर के 15 फरवरी तक एक रिपोर्ट जो दी जाएगी, उस रिपोर्ट को लेकर के ये तय करना है कि उनकी जो एस्मा हटाने की मांग है, यानी जो केस दर्ज हुए थे उसकी मांग है, बोनस की मांग है, इनको लेकर के कमेटी तय करेगी। और साथ ही नई बसें जो बेड़े में शामिल करनी है वो भी 250 के करीब जो नई बसें हैं वो फरवरी के इंतजार करना अभी होगा 15 तारीख तक जब रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कौन कौन से जो आश्वासन दिए गए हैं वो जल्द पूरे होते हैं, हालांकि ये भी कहते वो नजर आए कि ठोस आश्वासन दिया गया है, यानी कि वो पूरा होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। हड़ताल सभी तो है ही नहीं ना,
जो भी हड़ताल होनी सब इन्हें सब खत्म है, 7 की 8 की पता नहीं। वो चालू तो है किलोमीटर स्कीम भाई, बस तो चालू हो गई, उसको मुद्दा ही नहीं। वो आपस में बैठ के इन्होंने निपटा लिया है। मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है जो किलोमीटर स्कीम के तहत 190 बसें जो 26 रुपए 92 पैसे के हिसाब से सरकार ने ली है, उनमें से मंत्री महोदय ने अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 165 बसें आई है, 165 बसों में से 15 बसों की सिक्योरिटी जमा हुई है, 31 मार्च तक यदि वो बसें आ जाती है तो 190 बसों को लेंगे, और यदि वो 31 तक नहीं आती तो उन बसों की एंट्री नहीं होगी। जहाँ तक जो 510 बसें थी जो 37 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सरकार ने हायर की थी, उसकी विजिलेंस जांच हुई, उसमें ACS साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया ये बसें या तो इनको रोडवेज उसी रेट में जिस रेट में उन्होंने उसी दिन खरीदी थी उस का जो बिल है उसके हिसाब से रोडवेज इनको खरीदेगी, और वरना नहीं तो जो हाईकोर्ट में ये केस पेंडिंग है, जो हाईकोर्ट फैसला करेगी हम इन बसों को बिल्कुल उस रेट में नहीं लेंगे। चलिए, तो ये बैठक हुई, दोनों ही लोगों को आपने सुना, एक तरफ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि किलोमीटर स्कीम कोई मुद्दा ही नहीं है, चल रहा है किलोमीटर स्कीम और इसे लेकर बातचीत हो गई है। ये बैठक काफी देर तक चली और काफी अहम मुद्दे इस बैठक में शामिल थे। दूसरी तरफ दलबीर किरमारा को आपने सुना जो तालमेल कमेटी की तरफ से बातचीत कर रहे थे इस बैठक में, तो उनका ये कहना है कि जो ठोस आश्वासन दिए गए हैं उसका इंतजार हम करेंगे। दूसरी तरफ बोनस को लेकर बातचीत बन गई है, जो एजमा लगाया गया था जिन कर्मचारियों पर उन्हें भी बहाल कर दिया जाएगा। एजमा लगाया था यानी कि उन्हें पक्का नहीं किया गया था और काम करने से रोका गया था, तो अब वो रिपोर्ट सामने आएगी 15 तारीख तक और उसके बाद इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा।